क्या आप बुलिमिया नर्वोजा की पेचीदगियों के बारे में जानते हैं? और अगर नहीं जानते तो ये वीडियो जरूर देखें। आई एम डॉक्टर इज़ा एंड आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो बात करते हैं बुलिमिया नर्वोजा की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। सो टॉप ऑफ द लिस्ट आती है डिहाइड्रेशन, यानी कि जिसमें पानी की कमी हो जाना। जब बुलिमिया नर्वोजा का पेशेंट अपने आप को स्ट्रिक्ट डाइटिंग में मुबतला करता है तो उसके जिस्म में पानी की कमी हो सकती है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो लो ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है और उसके दिल की धड़कन जो है वो बहुत हद तक बेतरतीब हो जाती है। बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो भी इस प्रॉब्लम के साथ अक्सर डॉक्टर्स के पास आती हैं, लो ब्लड प्रेशर का शिकार होती हैं, और इसके अलावा फीमेल्स में माहवारी के मसाइल भी बहुत ज्यादा शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे जिस्म के कुछ केमिकल जिन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है उनका बेतरतीब हो जाना, जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम इस तरह के केमिकल्स शामिल हैं। अब इन इलेक्ट्रोलाइट्स का काम यह है कि वो हमारे दिल को मजबूत रखते हैं, दिल के पट्टों की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उनकी वर्किंग के लिए जरूरी होते हैं। और जब इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स की बॉडी में कमी हो जाती है तो दिल के पट्टे भी कमजोर हो जाते हैं और वो प्रॉपर अपना काम असर अंजाम नहीं देते। और एक्सट्रीम केसेस में ये होता है कि पेशेंट जो है वो फिर हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर के साथ इमरजेंसी में आता है। सो बहुत जरूरी है कि हम इनके बारे में जानें और लोगों तक भी इसके बारे में जो है अवेयरनेस फैलाएं। फिर क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया कि बुलिमिया नर्वोसा का पेशेंट जो है वो बिंजिंग एंड पर्जिंग का एक्ट करता है, यानी कि अपनी खाई गई खुराक को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये होता है कि जो मैदे के अंदर तेजाब होते हैं, डिफरेंट एसिड्स होते हैं, वो भी उस खाने के साथ बाहर आते हैं। तो सबसे पहले तो वो खुराक की नाली यानी कि एसोफेगस से गुजरते हैं, जब वो वहां से गुजरते हैं तो वहां जख्म कर देते हैं, क्योंकि वो एसिड है और एसिड का काम तो यही है कि वो जला देता है, तो वहां जख्म हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है, इसे मैलरी वाइस सिंड्रोम कहा जाता है। फिर ये होता है कि जब वो खुराक जो है वो गले से गुजरती है तो वहां उस गले के अंदर भी जख्म करना शुरू कर देती है, तो बहुत सारे पेशेंट शॉर्ट थ्रॉट के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। फिर ये होता है कि जब वो मैंने जैसे कि आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया कि हमारे दांतों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है एनेमल, जो ये एसिड्स हैं वो उस जो लेयर है उसको भी डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो डेंटल कैरीज वगैरह के प्रॉब्लम्स के साथ हमारे पास प्रेजेंट करता है। फिर जो हमारे खाने के लिए जो हमारे खाने को हजम करने में हेल्प करते हैं वो गदूद होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं स्पेसिफिक, उनकी सूजन हो जाती है, उनका बहुत ज्यादा काम होता है, ओवरवर्क की वजह से वो सूज जाते हैं। फिर इस तरह का जो पेशेंट होता है वो डिप्रेशन का शिकार रहता है, डिफरेंट नफसियाती प्रॉब्लम्स का शिकार रहता है, लो सेल्फ इस्टीम का शिकार रहता है, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की हद तक भी वो जा सकता है और ये डेंजरस भी हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स इस कंप्लेन के साथ डॉक्टर्स के पास आते हैं कि उनके मुंह से हर वक्त एक बदबू आती रहती है। अब होता यह है कि जब एक पेशेंट बुलिमिया का शिकार होता है तो वो अपने आप को भूखा रखता है, भूखा रखने की वजह से उसके जिस्म को जो इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो बाहर से नहीं मिल रहे होते, तो होता यह है कि जिस्म के बैक्टीरिया और डिफरेंट सेल्स जो हैं वो अपने ही खुलियात को, अपने ही सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। सो वो डिकम्पोजिशन और वो जो गलने सड़ने की एक स्पेसिफिक स्मेल है उस वो जो है वो पेशेंट उसका शिकार हो जाता है, जिसे हेलिटोसिस कहा जाता है। और अक्सर औकात ये भी देखा गया है कि जो बुलिमिया नर्वोजा या एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट्स होते हैं वो चूंकि बिंजिंग और फिर पर्जिंग का एक्ट कर रहे होते हैं, खुराक को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने हाथों की मदद से, तो उनकी हाथों के ऊपर जो है वो स्पेसिफिक निशानात होते हैं जिसे रसल्स साइन कहा जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल एंड टिल देन बाय बाय।